उसके बाद है जी मेजर और बी माइनर भी, ठीक है। तो इतने कॉर्ड्स यूज हुए, फिर से देख लेते हैं। ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर, जी मेजर एंड बी माइनर, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए रिदम की तरफ चलते हैं। जिसमें मैंने रिदम यूज किए वो कुछ तरीके से है, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अगेन डाउन डाउन अप अप डाउन डाउन डाउन। जो डाउन अप है वो एज ए फिलर भी काम करेगा, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन डाउन। इसको और स्लो कर रहा हूं मैं, डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन एक डाउन लास्ट में। तो ये हो गया डाउन डाउन अप अप डाउन अप डाउन एंड डाउन। सबको मर्ज कर देंगे, डाउन डाउन अप अप डाउन 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 अप अप डाउन डाउन डाउन। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया हो। तो चलिए अब चलते हैं प्रोग्रेशन की तरफ। पहली लाइन की प्रोग्रेशन है वो है ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर, सी मेजर एंड डी मेजर। तो ये कुछ इस तरीके से है, दर्द में भी ये लोग मुस्कुरा जाते हैं। तो जो पहली लाइन है ई माइनर, जी मेजर एंड डी मेजर है। जी मेजर ऑप्शनल अगर आप लगाना चाहें तो ठीक है, अदरवाइज आप ई माइनर डायरेक्ट डी मेजर पे भी आ सकते हैं। दर्द में ये लोग मुस्कुरा जाते हैं, ठीक है। लेकिन जी मेजर लगाएंगे तो बेहतर लगेगा, ये पहली लाइन के लिए ही है सिर्फ। बाकी जो और बीच में हम इस लाइन को यूज करेंगे तो वहां पे सीधे ई माइनर तो आपको डी मेजर ही आना है, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है, दर्द में भी ये लोग मुस्कुरा जाते हैं। अब सेकंड लाइन, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं, ठीक है। तो ई माइनर, जी मेजर, डी मेजर, सी मेजर एंड डी मेजर, और ये हमें सिंगल स्ट्रोक के साथ ही इसको गाना है। और जो रिदम शुरू होगी वो यहां से शुरू होगी। पहले इसके कॉर्ड्स देख लेते हैं, जी मेजर, बी माइनर, सी मेजर, डी मेजर, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से है, चंद लम्हात के वास्ते ही सही। सेकंड लाइन भी सेम रहेगी, मुस्कुरा कर मुझे तेरी जिंदगी। और ये लाइन हमें दो बार रिपीट करनी है, ठीक है। तो ये रिदम में कुछ इस तरीके से, चंद लम्हात के वास्ते ही सही, मुस्कुरा कर और एक चीज का ख्याल रखना है, इसमें हाफ ऑफ रिदम का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। हाफ ऑफ रिदम का मतलब है एक ही रिदम में आपको दो कॉर्ड आपस में इंटरचेंज करने पड़ेंगे, ठीक है, स्विच करने पड़ेंगे। तो इस चीज का भी ख्याल रखिएगा। इसके बाद की जो प्रोग्रेशन हुआ है, सी मेजर, डी मेजर, बी माइनर एंड ई माइनर, ठीक है। कुछ इस तरीके से, तेरी
नेक्स्ट लाइन है वो भी सेम है, बस आखिरी में डी मेजर और लगा हुआ है। तेरी बाहों में मेरी रातें कटी। उसके बाद तो ये सी और डी में जो हमिंग पार्ट है वो हो जाएगा। इसको रिदम में प्ले करके देख लेते हैं। तेरी आगोश इसके बाद जो पैराग्राफ है वो ऑलरेडी हम ऊपर प्ले कर चुके हैं, इसमें सिर्फ वर्ड्स चेंज है। तो इसमें ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर एंड डी मेजर लगा है। आज भी जब इसके बाद जो पहला पैराग्राफ था वो हमें रिपीट करना है। दर्द अब सेकंड वर्स पे आएंगे, उसमें जो प्रोग्रेशन हुआ है ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर एंड डी मेजर। मेरे कांधे पे सर को झुकाना तेरा। नेक्स्ट लाइन के लिए भी जो प्रोग्रेशन है वो सेम है। मेरे साए में खुद को छुपाना तेरा। और ये पैराग्राफ हम दो बार प्ले करेंगे। मेरे कांधे पे सर जो प्रोग्रेशन है वो है सी मेजर, डी मेजर, डी माइनर एंड ई माइनर। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। नेक्स्ट लाइन है सेम प्रोग्रेशन है, आखिरी में डी मेजर लगेगा। इसमें सीन टू डी जो हम एक पार्ट है वो कर रहा है। अब जो आगे की पैराग्राफ की जो प्रोग्रेशन है वो है ई माइनर, डी मेजर, सी मेजर एंड डी मेजर। आज भी जब इसके बाद वापस दर्द समझ में आ गया हो आपको। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आपसे अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए, उसे लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मुझे सर्च भी कर सकते हैं।